आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे आयनिक थियोरी। इसी को कहते हैं थियोरी ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और वीडियो अगर रेगुलर देखिएगा तो करंट की झटकों की तरह दिमाग में घुसेगा, है, इसलिए रेगुलर देखिए। इसमें है क्या, तो कहता है इन 1887 1887 में आर्हेनियस साहब क्या किए, आर्हेनियस एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन प्रपोज्ड ए थियोरी विच इज कॉल्ड आयनिक थियोरी, आयनिक थियोरी। कहता है 1887 ईस्वी में आर्हेनियस साहब कहता है एक्वस सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया, है ना, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डालने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला उसके बारे में इन्होंने बताया। तो पहला पॉइंट में क्या बताया बच्चों, ध्यान देंगे, वेन द इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिजोल्व इन वाटर, कहता है जब इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजोल्व करता है, दे आर डिसोसिएटेड इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। अब कहता है कि बच्चों कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे है KCl एक्वस सॉल्यूशन, इसको वाटर में डिजोल्व किया, है ना, वाटर में डिजोल्व किया, है ना, तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये जो है डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होकर के चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एक को कहेंगे केटायन और दूसरे को कहेंगे एनायन, है ना, केटायन को पॉजिटिवली चार्ज भी कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और केटायन को सॉरी एनायन, एक है बच्चों केटायन, है ना, प्लस, और दूसरा है एनायन, एनायन, है ना, इसको क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज, है ना। और जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली
कैली न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसी प्रकार से KOH को देख लेते हैं, KOH है ना, इसका डिसोसिएशन करेंगे, वाटर में डिजोल्व होगा तो डिसोसिएट होगा, K प्लस और Cl OH माइनस, है ना, इसमें OH है, OH माइनस, यही हो गया। अब कहता है दूसरा पॉइंट में, वेन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक करेंट पास्ड थ्रू पास थ्रू द इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस सॉल्यूशन, द पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट टुवार्ड्स कैथोड एंड निगेटिव पार्ट अट्रैक्ट टुवार्ड्स एनोड। अब कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में डिजोल्व करते हैं बच्चों, तो दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, एक को पॉजिटिव पार्ट कहते हैं, दूसरे को निगेटिव पार्ट कहते हैं, इलेक्ट्रोड दो होता है, एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं। तो कहता है पॉजिटिव पार्ट जो होता है अट्रैक्ट टुवार्ड्स कैथोड, कैथोड की ओर जाता है, और निगेटिव पार्ट जो होता है अट्रैक्ट टू एनोड, है ना, एनोड पर जाता है। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन रिगार्डेड एज ए रिवर्सिबल फेनो मेनन, हेंस लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी अप्लाइड। कहता है ये जो घटना जो होता है डिसोसिएशन का जो क्रिया होता है बच्चों, वो रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है, और जब उत्क्रमणीय होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, और केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन यानी द्रव्यमान कार्य के नियम को अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, डिसोसिएशन ऑफ KCl, यानी KCl का अगर डिसोसिएशन करते हैं तो K प्लस और Cl माइनस होता है, है ना, ए प्रोडक्ट हो गया, ए रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट को बैकवर्ड कहते हैं, रिएक्टेंट को फॉरवर्ड कहते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब करेंगे Kc बराबर तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, यानी K प्लस का कंसेंट्रेशन और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय KCl का कंसेंट्रेशन, यही हो गया बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन। और बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, सिर्फ देखना तो है, हर चीज आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा और नहीं आए तो वह संगीलिया को जरूर कांटेक्ट कीजिए, आसानी से समझ में आएगा, है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, द
डिग्री, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी को आयोनाइजेशन भी कहेंगे। आयोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन। आर डिफरेंट कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, दैट इज सेम, दोनों एक ही चीज है। ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट जब एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो कहता है बिल्कुल अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन यही तो है बच्चों आयनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।